Hello and very good morning all of you. My name is Nafees Ahmed and you guys are watching Rocking Studies YouTube channel. And I would like to say first of all, thank you so much guys, and I would like to congratulate you as well that you have guys made me very proud. Now we are 125 subscriber on my channel, even more than 125. Thank you so much guys, 125 subscriber ab hamare paas hain. जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए वीडियो वॉचर हैं तो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें और नई नई चीजें यहाँ से सीखें. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स टॉपिक. टिल नाउ वी हैव कवर्ड यू नो द कम्युनिकेशन. What do you mean by communication? Communication chart. What are the important things which plays a very important role in communication? Or we have already learned about the introduction, how we should introduce ourselves. So today we are having a class for the part 2 for how to crack the interviews. Interviews कैसे crack करें? उसका part 2 है. First part में हमने 3 interview question cover किए थे. आज हम 2 interview question cover करेंगे. साथ में हम थोड़ा सा इंग्लिश के भी टर्म सीखेंगे कि हम कहाँ पे माइट यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें मे यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें विल यूज करना चाहिए. तो थोड़ा साइड बाय साइड थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग भी हम लेके चलेंगे ताकि आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्लस इंग्लिश स्पीकिंग भी थोड़ा अच्छी हो जाए, और साथ में इंटरव्यू स्किल्स, क्योंकि सारे बच्चों की अलग अलग डिमांड्स आ रही है. कुछ बच्चे हैं जो बीटेक वाले हैं, एमबीए वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले, बोल रहे कि सर थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए कैसे क्रैक करें. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 12 के, बोल रहे कि सर थोड़ा हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स थोड़ा सा अच्छी करा दीजिए. तो हमने उसका भी पार्ट लिया है. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम डेली सीखेंगे और एवरी संडे. व्हाट आई वाज थिंकिंग कि उसमें आपके भी सजेशन चाहिए कि हम एवरी संडे एक मोटिवेशनल स्टोरी लिया करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले चीजों को लेकर. ठीक है, सो आई एम गोना कवर ओनली वन डे फॉर संडे कि हम हर संडे एक मोटिवेशन स्टोरी कवर किया करेंगे आपके लिए. अगर आपको लगता है कि उसे और भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए तो वीक में 2 डेज भी हम उसको ले सकते हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब माय रॉकिंग स्टडीज यूट्यूब चैनल. अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, एज मच एज यू कैन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू स्किल्स. टुडे वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड यू लाइक टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है जब भी आपके इंटरव्यूज होते हैं. तो उससे पूछते हैं कि भैया 5 साल बाद आप कंपनी को खुद को कंपनी में कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजिशन पे देखना चाहते हैं. होता क्या है, बहुत सारे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल देते हैं कि सर मैं तो आपकी जगह देखना चाहता हूँ खुद को, या आपसे ऊपर एक और लेवल और ऊपर देखना चाहता हूँ. ठीक है, या और बहुत अच्छी मतलब सीनियर लाइक सीनियर मैनेजर पे या सीएम जनरल मैनेजर पे देखना चाहता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको फ्लो नहीं करना. रीजन क्या है, क्योंकि लेट मी शेयर यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. क्योंकि वन ऑफ माई व्यूअर इज आनंद वॉज सेइंग कि सर थोड़ा, आनंद ने कहा कि सर थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए ताकि हमें और अच्छे से चीजें मिले. तो चलिए पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ. एक इंटरव्यू मैंने लिया और मेरे एक सर थे, उन्होंने लिया था. ही वाज द असिस्टेंट मैनेजर एंड आई यूज्ड टू बी देयर एट द सेम टाइम टीम लीडर. तो हम दोनों साथ में बैठे थे. तो हुआ क्या, एक गर्ल इंटरव्यू के लिए आई. आई एम नॉट गोना शेयर द नेम क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कंपनी के भी एडम है, दे विल गेट टू नो. तो वो लड़की को जब उसका इंटरव्यू लिया तो उस लड़की ने कहा कि सर आई वुड लाइक टू सी आफ्टर 5 ईयर्स माई सेल्फ ऑन अ सीनियर लाइक आपसे ज्यादा सीनियर पोजिशन पे. तो आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ ऑन अ मैनेजर पोजिशन. हमें लगा यार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेट से तो हमने अब तक देखा था कि हाँ चलो ये ठीक है, अच्छा आंसर है. बट हमने उसको हायर किया. अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस लड़की की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर थे उनसे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठीक है चलो हायर कर लेते हैं. और बिलीव मी क्योंकि पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा चलती है कॉर्पोरेट में, तो वो चमचागिरी करके, और मतलब आप 2 चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, एक तो चमचागिरी, दूसरा आपकी क्वालिटी के बेस पे. तो उसमें दोनों चीजें थी. तो उसने क्या किया, बिलीव मी इन 4 ईयर्स सी वाज ऑन अ मैनेजर पोजीशन. तो नेक्स्ट टाइम तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे कोई भी हायर नहीं किया जो थोड़ा स्किल्स में अच्छा हो, उनसे अच्छा हो और उसकी एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा अच्छे लेवल पे हो. तो ध्यान रखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी अपने मैनेजर से ऊपर के लेवल को मत बताइए. राइट, और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे ज्यादा ओवर स्मार्ट आपको बनने की जरूरत नहीं है. अगर ओवर स्मार्ट बनोगे आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है,
और इससे भी अच्छे आंसर आपके पास हो सकते हैं, माइट बी आप गूगल या कहीं और से सर्च करें, बट दिस इज माई पर्सनल यू नो दे शेयर विद यू गाइज कि आप बोल सकते हैं सर आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ वेरी गुड पोजिशन, मतलब वेरी गुड पोजिशन अब कोई भी हो सकती है, वो टीम लीडर की भी हो सकती है, वो असिस्टेंट मैनेजर की भी हो सकती है, मैनेजर की भी हो सकती है, उसमें आपने स्पेसिफिक नहीं किया, तो जो सामने आपके बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी लगेगा हाँ यार ठीक है ऑन अ गुड वेरी पोजिशन और वेरी गुड पोजिशन एसोसिएट पे ले रहा हूँ, सीनियर एसोसिएट हो जाएगा, टीम लीडर बन जाएगा, यू विल नॉट फील अनकंफर्टेबल। बट अगर आप बोले जीएम की पोजिशन पे देखता हूँ उसके बढ़िया हो सकता है बंदा पहुंच जाएंगे या बंदी पहुंच जाए, तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से लगता है। तो सिंपल आप आंसर कीजिए इसका, सर आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years ऑन अ वेरी गुड पोजिशन ऑन ए सीनियर पोजिशन, आप बोल सकते हैं कि 5 साल बाद खुद को एक अच्छी पोजिशन पे देखना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट ऑन बिहाफ ऑफ माई वर्क और माई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी वर्क बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाई शुड आई हायर यू, कि भैया इतने सारे कैंडिडेट बाहर बैठे हैं मैं आपको ही क्यों हायर करूं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आप कभी भी याद रखिए, हमेशा मेक इट अ पॉइंट, एक गार्ड बांध दीजिए इसकी, कि आप कभी भी आपके साथ में जो काम कर रहे हैं ये जो बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं आपके साथ में उनको कभी भी डाउन मत शो करिए, उनकी मतलब बुराई मत कीजिए, उनको मतलब नीचे नहीं दिखाना हमें, हमें अपनी स्किल्स के बेस पे जॉब लेनी है, राइट। अब लेट मी शेयर यू अगेन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वॉज देर इन गुड़गांव एंड आई वेंट टू फेस द इंटरव्यू इन कॉग्निजेंट वाज अ कंपनी देयर, तो मैं उस कंपनी में जब इंटरव्यू देने गया, एक एजिलेंट कंपनी थी, उसमें ही मैंने इंटरव्यू दिया, दे आस्क मी द सेम क्वेश्चन, और HSBC हांगकांग बैंक ऑफ शंघाई, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, HSBC इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने मुझसे किया भाई व्हाई शुड आई हायर यू, मैंने कहा सर जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स माई नॉलेज यू गाइज कैन हायर मी बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस टाइम पे उनको जनरल एंट्रीज प्रोसेस करने के लिए और रिकंसिलेशन के लिए बंदा चाहिए था, तो आई यूज टू वर्क अंडर इट ए सीए हियर इन काशीपुर, काशीपुर में एक सीए के अंडर में काम करता था, मुझे पता था जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे प्रोसेस करते हैं, तो मैंने उनको अपना वो काम बताया, अपनी स्किल्स बताई कि सर आई एम द वेरी फिट पर्सन फॉर दिस जॉब, सो यू गाइज कैन ऑफर मी दिस जॉब, ठीक है। तो अपनी स्किल्स को उस जेडी से जॉब डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप इंटरव्यू देने गए, जिस चीज के लिए आप इंटरव्यू देने गए उसको अपनी स्किल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को शो कीजिए कि यू आर द मोस्ट फिट पर्सन फॉर द सेम, ठीक है। इंटरव्यू में एक और रिक्वेस्ट है, हमेशा हंसते रहिए, थोड़ा स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, लग रहा है हेजिटेशन हो रही, पानी पीने की जरूरत है, यू गाइस मे आस्क फॉर द वाटर, ठीक है। एक और फनी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, HSBC में इंटरव्यू देने गया तो मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि आई वॉज क्वाइट फ्रेशर एट द सेम टाइम, तो मुझे इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी, मैंने सर से पूछा सर आई वॉन्ट टू हैव सम वाटर, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप पी सकते हैं, तो जो मेरा ग्लास था मैं उसका ग्लास छोड़ के और मैं सर का जो हाफ ग्लास उन्होंने पी रखा था वो ग्लास पी गया, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। और लेट मी टेल यू वन मोर एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे हो सकते हैं कि जैसे फ्रेशर था उसने कहा कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ कॉपी एंड पेस्ट, कट पेस्ट का एग्जांपल दीजिए, एक्सेल में कट की कमांड आपको पता होगा पेस्ट की, अब वो पूछी जा रही है, मैं कह रहा हूं कैसे आंसर करूं, मैंने तो कमांड दी थी सारी चीजें, मैंने कहा प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो प्रैक्टिकल में क्या हुआ, कॉफी का कप था एक, उसके लिए था एक, मेरे लिए था जो HR थी मैम, तो उन्होंने अपना कप पी लिया क्योंकि आई वॉज फीलिंग हेजिटेशन, मैंने शर्म के बारे में नहीं पिया, थोड़ा तो शर्म लगती है उस टाइम में, फ्रेशर था मैं, तो मैंने क्या किया अपने कप की कॉफी उसके कप में डाल दी, मैंने कहा दिस इज द एग्जांपल ऑफ कट एंड पेस्ट में, she was very impressed and I was this was my first company IKEA global solution and I was selected for the same, to thoda sa dimag bhi chalana hai, thoda sa iski help le liye jo main aapko bata raha hu, and agle din kal ko fir se thoda interview question pick up karne ki koshish karenge aur sunday ke liye taiyar rahiye, motivation story I'll pick for you guys, theek hai। chaliye ab aate thoda communication ke part pe, uses of might may or will kahan pe hame use karna chahiye, जब भी हम बात करते हैं माइट मे और विल यहां पे हम याद यूज करते हैं संभावनाएं, जहां पे संभावनाएं इन्वॉल्व होती है, अगर मैं कह रहा हूं कि यार इंटरव्यू से रिलेटेड मैं बोल रहा हूं सर माइट आई कम इन, अगर मैं माइट यूज कर रहा हूं तो वहां पे मैं कितना परसेंट श्योर हूं, लगभग 25% आई एम श्योर कि सर मुझे अंदर आने देंगे, क्योंकि आज सर का मूड थोड़ा खराब है, वाइफ से लड़के आए या थोड़ा उनकी फाइट हो गई है किसी से, तो मूड थोड़ा खराब है, तो आई यूज माइट आई कम इन, बट मोस्ट ऑफ द गाइज व्हाइल यू गो टू द स्कूल और समवेयर एल्स यू गाइज यू मे हम क्यों लगाते हैं सर, मे आई कम इन व्हाई मे व्हाई नॉट कैन, क्योंकि मे में संभावना इन्वॉल्व है, संभावना है कि आपको अंदर बुला लिया जाए, राइट, पॉसिबिलिटीज है कि आपको अंदर बुला जाए, 100% इज नॉट श्योर, राइट, तो वहां में कितने परसेंट संभावित होंगे, 75%,
चांसेस है कि आपको अंदर बुला लिया जाए, और 25% चांस है कि सर कुछ काउंट कर रहे हैं, कैश काउंट कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, वो आपको बाहर ही रोक देंगे, स्टे आउटसाइड फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो जहां पे आप श्योर होते हैं किसी भी चीज को, आज बारिश पड़ने के बहुत कम चांस है, बादल नहीं है तो आप बोल सकते हैं इट माइट रेन, राइट। लेकिन अगर थोड़ा बादल से है, चांसेस थोड़ा ज्यादा है, आप बोलिए इट मे रेन, इट मे रेन। लेकिन जब आप 100% श्योर होते हैं तो आप लगाइए विल। बारिश हल्की हल्की पड़ गई, हवा चल रही है, बोले इट विल रेन टुडे, 100% श्योर है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर द सेम, कैन नहीं लगाना, कैन का हम क्लास अलग से लेंगे, माइट मे विल आपकी आई होप की समझ में आया होगा। जब श्योर होता है 25% संभावना है, वहां पे लगाइए माइट। जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, लॉकडाउन बहुत ज्यादा है तो मैं लगाऊंगा आई माइट गो टू दिल्ली, लेकिन मेरे पास चांसेस है कि मेरी अच्छी पकड़ है पुलिस में, तो मैं क्या लगाऊंगा आई मे गो टू दिल्ली। लेकिन अगर मेरे पास परमिशन है आई विल गो टू दिल्ली डेफिनेटली। सो दिस इज दी कम्युनिकेशन क्लास, थोड़ा थोड़ा हम डेली कवर करेंगे, ठीक है, और दिस वॉज दी इंटरव्यू क्लास, ठीक है। तो डेली दो या तीन क्वेश्चन हम कवर किया करेंगे इसके, और डेली दो तीन चीजें हम इसमें कवर किया करेंगे। And this is for this is enough for today for all about that we have taken classes. If you guys are not able to understand, could be so many, please ask me question as much as you guys can. My number is 7906432179. You guys can WhatsApp me there. You guys can leave me comment over there. अगर आपको कुछ और सीखना है क्लास में, कुछ और लेके आना, different नई चीजें आपको सीखने का mood है, comments में लिख दीजिए, मैं उसके लिए video बना दूंगा आपको। और थैंक यू सो मच, अगेन रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से ही बोलिए, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए इसको एज मच एज, इंस्टा पे शेयर कीजिए, ठीक है, जितने भी सोशल साइट्स हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंजॉय कीजिए, घर पे मजे कीजिए, क्लास को भी मजे करके सीखिए, लॉकडाउन के बाद आपकी जॉब पक्का है अगर आप ऐसे सीखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और बी सेफ एट योर होम, टेक केयर, सी यू एट द सेम टाइम टुमारो, बाय बाय।